अरे छोटे छोटे बच्चे के क्यूट से कपड़े मस्त दिख रहे थे। यहाँ से आप रायगढ़ के लिए भी जा सकते हैं। यहाँ बैंक की कोई कमी नहीं है भाई, ये दुनिया भर का बैंक है यहाँ। हाँ सब उनका पता नहीं सेट गाड़ी वाड़ी घुसती वस्ती भी कि नहीं, अपन तो घुसा दे रहे हैं। चाय नाश्ता का केंद्र तो नजर आ रहे हैं। अच्छा तो ये है महासमुंद रेलवे स्टेशन। अनाजों से भरा ये ट्रक आ रहा भाई साहब, कहीं टिका ना दे हमें। अंदर ही अंदर तो काफ़ी बड़ा मार्केट है। रोड किनारे में देख रहे हैं पूरे दुकानें लगे हैं बैग के, इस साइड में जूते चप्पल के लगे हुए हैं। हे गाइस वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग्स रोड पर गोपड़ी से आप सभी का स्वागत है। गाइस तो आज मैं आप लोगों को लेके जाने वाला महासमुंद, तो चलिए अभी व्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। रॉयल एनफील्ड, क्या बात है भाई साहब। टीवीएस के सभी के स्टॉप है यहाँ पे। टाटा मोटर्स की भी शॉप है भाई, मतलब काफ़ी बड़े बड़े शॉप हैं इस साइड में। एंड ये सब है एरिया यहाँ का, ये भी है हीरो का शॉप है, काफ़ी बड़े बड़े शॉप है भाई साहब। अब ये है महासमुंद जो हम आप लोगों को दिखला रहे हैं। फाइनली हम पहुँच गए हैं महासमुंद में। HDFC बैंक महासमुंद शाखा। इधर ट्रैक्टर के शॉप, इधर भी ट्रैक्टर के शॉप, क्या बात है भाई। उस समय आया था ना तो रोड का काम चल रहा था, अभी पूरा ढंग से बन गया रोड, मस्त हो गया है। नीलम मोटर्स, इंडियन बैंक, बैंक की कोई कमी नहीं है यहाँ भी, जगह जगह पे बैंक है। अब आप लोगों को मैं पूरा दिखलाता हूँ गाइस। बहुत प्यारा सा ये शहर है। जैसे इससे पहले मैंने बनाया था आरंग सिटी, जो आप लोग काफ़ी सपोर्ट किए, प्यार दिए इस वीडियो को, उसी तरह से इस वीडियो को भी प्यार और सपोर्ट दीजिएगा। और देखते हैं यहाँ पे कौन कौन से जगह हैं घूमने लायक, उसको भी अपन कवर करेंगे। बाकी एम्बुलेंस जोरों शोरों से जा रही भाई साहब। अरे छोटे छोटे बच्चे के क्यूट से कपड़े मस्त दिख रहे थे दूर से। ये है जय श्री राम, यानी कि बजरंग बली जी का मंदिर। दवाई की दुकान, दवाई की दुकान तो हर जगह होती है, इधर भी है। विनोद मेडिकल ओम पैथोलॉजी, वाह वाह। दांत का दवा खाना भाई, किसके किसके दांत सड़ चुके हैं। सुमित बाजार, इधर भी लगा हुआ है, अरे वाह। ये है भाई SBI बैंक महासमुंद का। एक तो सामने तरफ था जो मैं आप लोगों को दिखलाया, एक ये है सेंट्रल बैंक भी है, क्या बात है। इधर भी सेल लगा हुआ है, ये पेट्रोल पंप बंद है अभी फ़िलहाल। और ये आ गए हैं हम बस स्टैंड महासमुंद का, तो दिखलाते हैं आपको बस स्टैंड। ये देखिए गाइस महासमुंद का बस स्टैंड। यहाँ भी आपको काफ़ी कुछ बस मिल जाएंगे, रायपुर के लिए, दुर्ग के लिए, भिलाई के लिए, राजनांदगांव के लिए। देन यहाँ से आप बागबाहरा भी जा सकते हैं, आरंग भी लिखा हुआ है। यहाँ से आप रायगढ़ के लिए भी जा सकते हैं। तो यहाँ से लीजिए टिकट, ये है, और सफ़र करिए अपना। चलो अपन देखते हैं महासमुंद शहर, पूरा मार्केट एरिया भी देखेंगे अपन। ये सामने में प्यारा सा चौक है, अम्बेडकर चौक का लग रहा है जी। हाँ अम्बेडकर चौक, यही वाली रोड सीधा सीधा लेके जाती है बागबाहरा के लिए। और देख ही रहे हैं काफ़ी कुछ दुकानें हैं इस साइड में, काफ़ी एरिया में भाई साहब। धमतरी भी इसी तरह से है, पूरा मार्केट से भरा हुआ है। कांकेर भी, चारमा भी आपको ऐसी लगेगा, लेकिन ये बड़ा लग रहा है महासमुंद। यहाँ बैंक की कोई कमी नहीं है भाई, ये दुनिया भर का बैंक है यहाँ पे। कपड़े के स्टॉक इतने बड़े बड़े से, तो चलिए पहले इधर ही घुसते हैं और देखते हैं यहाँ का पूरा माहौल। देन फिर यहाँ से निकल के फिर दूसरे ऑप्शन चलेंगे। थाली रेस्टोरेंट करके लिखा हुआ था भाई। अंदर अंदर तो काफ़ी बड़ा मार्केट है भाई, ये बड़े बड़े शॉप हैं। ये देखिए भी तैयार हो ही रहा है।
बाकी इस साइड में मार्केट तो नहीं नज़र आ रहे हैं, बस्ती नज़र आ रहे हैं। ये राखी के पूरे दुकान लगे हुए हैं इस साइड में, थोक वाले जूते चप्पल। इधर भी है दांत का दवाखाना, ज्योति करके लिखा हुआ है, चर्म रोग विशेषज्ञ आदित्य हॉस्पिटल करके लिखा हुआ है। हॉस्पिटल वगैरह भी है भाई इस साइड बड़े बड़े। तो महासमुंद आते हैं, खरोरा वाले भी आते हैं, देन अपन यहाँ से रिटर्न लेते हैं क्योंकि अंदर जाने से कोई मतलब नहीं बनता, बस्ती है पूरा। हाँ तो मैं क्या कह रहा था कि नवापारा से भी लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, घूमने के लिए, ख़रीदारी के लिए, और अधिकतर तो रायपुर पंडरी से ही ख़रीदते हैं लोग। महासमुंद में भी लोग पंडरी से ही अधिकतर माल लेके आते हैं। आसपास के जितने भी गांव क्षेत्र हैं उनको ये सप्लाई करते हैं, जिससे उनको रायपुर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ वो लोग जाते हैं जिन लोग को और अच्छा प्रॉफिट चाहिए होता है, क्योंकि ये तो अपना मार्जिन लगा कर ही देंगे ना। अगर डायरेक्ट इन लोग भी तो वही पंडरी से लेके आते हैं, अगर पंडरी से डायरेक्ट लेते हैं तो और कम मिलेगा। अब सीधा वाली मार्केट नज़र आ रही है, वहाँ चलते हैं। भाई काफ़ी तेज़ रफ्तार से ट्रक आ रही है, भाई आराम से चला रहा हो दादा, छाता लेके जा रहे हो, पानी तो गिर नहीं रहा है। ये है भाई सब्जी मंडी, महासमुंद का ये सब्जी मंडी आप लोगों को दिखलाते हैं। इधर भी कपड़े के शॉप लगे हुए हैं, सही है भाई साहब। उधर तो एक मंदिर नज़र आ रहा था, ये है सब्जी मंडी। चिंगरी, क्या बात है। मुनगा दास करेला 50, भाई इतना महंगा करेला। तो देख लीजिए गाइस सब्जी मंडी जो आप लोगों को मैं दिखला रहा हूँ महासमुंद का। पता नहीं सेट गाड़ी वाड़ी घुसती वस्ती भी कि नहीं, अपन तो घुसा दे रहे हैं दिखलाने के लिए। भाई फोटो खिंचा रहे हैं, चलो भाई सब्जी मंडी से निकला जाए। अपन जहाँ मन के वहाँ घुस जाते हैं देखने के लिए। बाकी ये सब तो आप लोगों को मैं दिखलाते हुए गया था, एक बार और देख लेते हैं देन फिर रिटर्न, क्योंकि वाला जो अम्बेडकर चौक है मैं आप लोगों को दिखलाया हूँ। अब यहाँ से अपन रिटर्न लेते हैं देन आगे बढ़कर दिखलाते हैं। समोसे मिल रहे हैं भाई साहब, बहुत प्यारा सा शहर है गाइस महासमुंद। और भी जगह हैं वो भी कवर करना है भाई, एक एक चीज़ आप लोगों को दिखलाना है। सब्जी मंडी तो आप लोगों को मैं दिखलाया हूँ, यहीं से घुसा था मैं देन यहाँ भी चले गया मैं। अब आगे बढ़ते हैं, आगे का माहौल देखते हैं। जी बाज़ार, क्या बात है, जी बाज़ार है इधर, महासेल ए टू जेड, हर एक सामान तो अवेलेबल है यहाँ भी गाइस। कपड़े लगते के ज़्यादा शॉप लगे हुए हैं, देख रहे हैं वही 100, 150, 200, 250, 300 में आपको कपड़े मिल जाएंगे। चश्मे के हैं शॉप, इडली डोसा लगाया हुआ है भाई साहब ने। मैं नाश्ता कर लेने तो इडली डोसा ही खाऊंगा सोच रहा था। अब इधर चलते हैं, सामने में हनुमान मंदिर, जय बजरंग बली। इधर चल कर देखते हैं, श्री गुरु रामदास जी द्वार करके लिखा हुआ है। ये शासकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय है, इस तरह से है पूरा। ये ट्रक वाले भाई सब किधर से लेके आ रहे हैं, ज्योति प्रदीप, अरे बहुत सही है। देखो रिंग लाइट, इसका ज़्यादा डिमांड चल रहा है भाई, लोग टिकटॉक विकटॉक में रील्स वगैरह में वीडियो बनाते हैं। SBI का बैंक है, यूनियन बैंक है उधर। ये डॉक्टर के हैं शॉप, काफ़ी बड़े एरिया में मार्केट है भाई साहब। जगदम्बा किराना स्टोर करके लिखा हुआ है, देखिए यहाँ भी। बस्तर जाने का काफ़ी मन है भाई, बस्तर हम जा ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि ढंग से बारिश हुआ ही नहीं है। हम सोच रहे हैं कि वाटरफॉल कवर करेंगे बट पानी तो गिरी नहीं उस तरीके से जिस तरीके से गिरना चाहिए।
छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण। बस आगे तो मार्केट ख़त्म नज़र आ रहा है, बाकी सब बस्ती हैं। ये हीरे का स्टॉप है। चलो आगे चौक नज़र आ रहा है, वहीं से अपन रिटर्न लेते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़कर और देख ही लेते हैं गाइस। ये बजाज बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ही बैंक है भाई साहब। ये होटल है, अच्छा ये रुकने का होटल है, मतलब कि आप महासमुंद में आप रुक भी सकते हो। ऐसा मैं आरंग में नहीं देख पाया था क्योंकि मुझे नज़र ही नहीं आया, तो आरंग में नहीं रुक पाओगे शायद तक। होटल होंगे एकाध। ये गुरुद्वारा है, बहुत प्यारा सा गुरुद्वारा जी गुरु। तो यहाँ से अपन अब रिटर्न ले लेते हैं गाइस। नहीं, एक बार आगे बढ़कर देखते हैं इधर क्या है। चाय नाश्ता का केंद्र तो नज़र आ रहे हैं। अच्छा तो ये है महासमुंद रेलवे स्टेशन। तो ये महासमुंद का रेलवे स्टेशन है, देखिए। कभी भी आप आते हो महासमुंद ट्रेन रूट से तो यहीं से उतरना होगा भाई साहब आपका। चलो अपन देख तो लिए रेलवे स्टेशन। इधर काफ़ी भीड़ नज़र आ रहे हैं, इतने अंदर में दे दिया भाई रेलवे स्टेशन को। लॉज वगैरह भी है, इसीलिए तो बोलो यहाँ पे होटल क्यों नज़र आ रहे हैं। जाहिर सी बात है रेलवे स्टेशन है। बस स्टैंड तो मैं आप लोगों को दिखला दिया। तो सीधा चलते हैं अहिंसा द्वार तरफ, मार्केट देखते हैं। ये देखो अनाजों से भरा ये ट्रक आ रहा भाई साहब, कहीं टिका ना दे हमें, यही तो दिक्कत होता है, समझते नहीं है लोग बाग। ये देखिए कपड़े लगते के मेन मार्केट यही है। एक तो सब्जी मंडी आप लोगों को दिखलाया, दूसरा महासमुंद का मेन मार्केट आप लोगों को अभी दिखला रहा हूँ। ये देखिए राखी के शॉप लगे हुए हैं, ये अंदर ही अंदर दुकानें हैं पूरे, उसको भी अपन देखेंगे ऐसे घूमकर। ये हार्डवेयर के शॉप हैं पूरे, एक से एक ड्रेस है और बर्तन। और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लग रही है। ये पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे थिएटर नज़र नहीं आया अभी तक मेरे को, होगा लेकिन थिएटर, क्योंकि मैं कई बार देखता हूँ ना पेपर वगैरह पे महासमुंद का जिक्र रहता है। देखते हैं कहाँ पर होगा थिएटर, अगर नज़र आता है तो आप लोगों को मैं दिखलाता हूँ, नहीं तो फिर कोई बात नहीं है। बाकी इस साइड में ज्वेलर के पूरे शॉप हैं, तो उधर तो नहीं जाना मुझे। गांधी जी प्यारा सा इसका स्टेचू बना हुआ है। सोना चांदी की दुकानें पूरे अंदर ही अंदर बने हुए हैं। अरे वाह प्यारा सा मंदिर है भाई अंदर में तो, रवि ज्वेलर्स। मालूम है टल्स अभी कहाँ लेके जाएगी, नो आइडिया, बट चले पड़े हैं अपन देखने के लिए अंदर ही अंदर। अब इतना दूर आए हैं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ भी प्यारा सा मंदिर है, वाइफ सवास, क्या प्यारा सा मंदिर है। इधर भी छोटे छोटे दुकानें हैं और देखो हर एक चीज़ को मैं कवर करने की कोशिश करूंगा ना तो काफ़ी बड़ा वीडियो बन जाएगा। वहाँ से रिटर्न ले लेते हैं, देन जो बचा रह गया वो कवर करते हैं, फिर निकल जाते हैं बाग बहारा के लिए गाइस।
इधर चलते हैं। ये तो मैं आप लोगों को दिखलाते हुए गया था, इस साइड थोड़ा सा बच गया है। पूरे बर्तन के साफ है यहाँ पे। तो इधर आलू बिक रहा है भाई साहब, थोक के भाव में आलू प्याज। कॉस्मेटिक अभी से राखी मंगवा ली है दुकानदारों ने। ये इधर थोक मार्केट लग रहा है पूरा। ये देखिए बड़े बड़े शॉप हैं, राशन के शॉप इधर ही लगे हुए हैं। मसाले के हो गए, राशन हो गए, तेल हो गए, सब इधर ही मिल जाते हैं। भाई सब अंडे ही अंडा रखे हुए हैं। चलो एक बार इधर घुस कर देखते हैं, देन फिर इसके बाद अपन निकल जाएंगे। अंदर ही अंदर तो काफ़ी बड़ा मार्केट है, जैसे आरंग में था ना वैसे अंदर अंदर तो पूरा मार्केट ही मार्केट है भाई साहब। मसालों के पूरे स्टॉल लगे हैं। इधर भी चलूंगा ना तो देखिएगा, ये देखिए चूड़ी कंगन। ये देखो मतलब कि यहाँ तो सूरज दे तो प्रकट भी नहीं होते होंगे, अंधेरा अंधेरा नज़ारा आ रहा चारों तरफ। चलो अपन ये वाली रूट पर आ गए हैं, अब यहाँ से थोड़ा बाहर निकलते हैं। ये सामने में मेन रूट हाईवे। अब ज़्यादा कुछ बचा नहीं रह गया है, जितना हो सकता उतना मैं आप लोगों को दिखला दिया हूँ एक ही वीडियो में भाई साहब। अब ये है रोड किनारे में और बचे कुचे दुकानें जो आप लोगों को दिखलाते हुए चलता हूँ। ये ग्राउंड है लगता है, पता नहीं क्या है, कुछ लिखा ही नहीं है। बाकी रोड किनारे में देख रहे हैं पूरे दुकानें लगे हैं बैग के, इस साइड में जूते चप्पल के लगे हुए हैं। वैसे अपना सेक्टर ये लगा रहता है, थाना सिटी कोतवाली महासमुंद ज्वाइंट सेंटर है। तो जगह जगह पे पुलिस स्टेशन भी है भाई, कोतवाली भी है, तो सही है भाई। ये हनुमान जी का मंदिर, जय हनुमान जी। और ये चाय नाश्ता का सेंटर, तहसील ये सामने में है, तहसील कार्यालय। भीड़ लगी हुई है भाई, लाइन लगाए हुए हैं लोग। देन इधर चलते हैं, इधर क्या चीज़ है भाई। मैं भी खूब घूमा हूँ भाई, बहुत अच्छा लग रहा है। मन तो कर रहा है कि एक दिन यहीं स्टे कर लूं, बट वही है ना, महासमुंद के जितने भी आसपास के क्षेत्र हैं वो कवर करके मैं रिटर्न ले लूँगा शाम तक। जो छूटा रह गया ना भाई कमेंट करके बताइएगा। जैन नर्सिंग होम करके उधर लिखा हुआ था, उधर तो नहीं जाऊंगा मैं। यहाँ से अपन चलेंगे बाग भारा के लिए, राजा माँ भवानी दुर्गा मंदिर। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। आई होप कि वीडियो को पसंद आ रहा होगा, पसंद आ रहा तो भाई एक लाइक कर दीजिएगा।